Hello everyone, welcome to the Veena Educators. In this video, I am going to discuss with you the most important component for the SSC JEE, that is the building material and construction. Building material and construction पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है इसके ऊपर. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. तो इसमें कुछ में 11th में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए व्हीकल इन पेंट्स. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्हीकल यूज़ किया जाता है पेंट्स में. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेंट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है. पेंट्स बनाने के लिए हमें पहले बेस की ज़रूरत होती है, हमें व्हीकल की ज़रूरत होती है, हमें पिगमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ बोल सकते हैं कलर की, हमें यहाँ पे ड्रायर चाहिए होता है, हमें यहाँ पे थिनर चाहिए होता है, और हमें यहाँ पे फिलर्स की ज़रूरत पड़ती है. बेस और व्हीकल एक पेंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. तो इन सब की आपको एग्जाम्पल्स लर्न होनी चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए जो जिंक वाइड होता है ये हमारा बेस बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है. टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है हमारा ये थिनर बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है. टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ये पिगमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और लिनसिड ऑयल जो है हमारा ये व्हीकल यूज़ करता है. तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्रीगेट है जिसका लीस्ट लेटर डायमेंशन जो है अगर वो 0.6 टाइम्स से मीन डायमेंशन से कम होगा तो कौन से एग्रीगेट्स कहलाए जाएंगे. तो उसका सही आंसर है फ्लेकी. फ्लेकी एग्रीगेट्स वो एग्रीगेट्स होते हैं जिसका लीस्ट लेटर डायमेंशन जो होता है वो 0.6 टाइम्स और मीन डायमेंशन से कम कम होता है. वेयर एज इलोंगेटेड एग्रीगेट्स ऐसे एग्रीगेट्स होते हैं जिनका लार्जेस्ट डायमेंशन जो होता है वो 9/5 टाइम्स या 1.8 टाइम्स कह सकते हैं से ज़्यादा होता है, तो एग्रीगेट्स होते हैं इलोंगेटेड. तो उसका सही आंसर है आपका फ्लेकी. क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि अगर आपको एक कंक्रीट बनाना है वेयरिंग सरफेस के लिए, जैसे कि रनवे हो गया, रोडवे हो गया, पेमेंट हो गया, तो इस कोड के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का इंपैक्ट वैल्यू किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो आपको याद होना चाहिए एग्रीगेट के इंपैक्ट वैल्यू से हम लोग टफनेस के बारे में पता करते हैं. टफनेस के बारे में, एग्रीगेट की टफनेस की वैल्यू जानने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि वेयरिंग सरफेस के अकॉर्डिंगली इस कोड की रिकमेंडेशन है कि वो वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अदर किसी भी लेयर के लिए वो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो उसका राइट आंसर है आपका सी, 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्लंप वैल्यूज़ फॉर द लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. तो आपको पता होना चाहिए कि लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, पहले सबसे पहले स्लंप वैल्यू की बात करें तो स्लंप वैल्यू हमारी वर्केबिलिटी को मेजर करता है, और इसमें हमें पता होना चाहिए कि लो वैल्यू अगर वर्केबिलिटी की हमें चाहिए तो उसके लिए रेंज होती है आपकी 25 to 50 mm. तो 0 mm के लिए होती है वेरी लो वैल्यू, अबव 50 mm to 100 mm के लिए होती है आपकी मीडियम वैल्यू, 100 to 150 के लिए होती है हाई वैल्यू. तो ये सब वैल्यूज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंडियन स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स 10 cubic meter ऑफ वॉल के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी. तो आपने याद रखना है 1 meter cube के अंदर जो हमारी ब्रिक्स यूटिलाइज होती हैं वो होती है हमारी 500. तो 10 meter cube की वॉल बनाने के लिए कितनी यूटिलाइज होंगी, 5000. क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे एक वुड की कितना स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंगली कितनी उसकी लाइफ होनी चाहिए. तो आपने याद रखना है उसकी लाइफ जनरली जो होती है वो 4 to 5 months होनी ही चाहिए. तो उसका राइट आंसर है आपका 120 days. क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि आर्जिलेशियस रॉक्स में कौन सा प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट मटेरियल होता है. तो याद रखना आर्जिलेशियस रॉक यानी कि क्ले कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है. तो उसका सही आंसर है आपका क्ले. क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि पोर्टलैंड सीमेंट की फाइनेस जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है. तो आपने याद रखना है इसके लिए 3 tests किए जाते हैं. एक होता है आपका सीव टेस्ट, ठीक है. एक टेस्ट होता है आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट, और थर्ड आपका होता है इसमें वैंगनर टर्बिमीटर टेस्ट, ठीक है. तो उसका सही आंसर है आपका ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि द रेट ऑफ हाइड्रेशन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग इन. याद रखना है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के केस में आपका जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ हाइड्रेशन भी आपका कम हो जाता है, ठीक है. तो उसका सही आंसर है आपका डिक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि अगर वाटर सेमेंट रेशियो एक कंक्रीट मिक्स के लिए 0.45 है, तो आप बताना कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना चाहिए आपको 3 bags ऑफ सीमेंट बनाने के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वाटर टू द सीमेंट रेशियो कितना दे रखा है आपको, 0.45, ठीक है, 0.45, ठीक है. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए 3 bags के लिए हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा, 150 kg. यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा 1 kg है वही हमारा किसके बराबर है, 1 liter के बराबर. तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा 150 liter. तो जब यहाँ पे वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0.45 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 से. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.5 liter. थैंक यू गाइज़.